रनवे 34 आज के दिन हीरोपंती 2 के साथ में रिलीज हुई एक और मूवी, जिसके स्टारर में आपको देखने को मिल जाएंगे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन सर, रकुल प्रीत मैम और भवानी रानी और कई सारे आपको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट हाफ पे। अगर मैं बात करूँ इस मूवी को, मैंने जब फर्स्ट शो पे देखा तो मेरे क्या एक्सपीरियंस थे, आपको क्या एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं, वो सरप्राइज आपको इस फिल्म से मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, ये फिल्म ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है तो आपको क्या वीएफएक्स अच्छी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, फिल्म की बीजीएम क्या आने वाली है, एक्टर की परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, तो सभी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इस फिल्म की मैं बात करूं फर्स्ट लाइन पे, तो फिल्म डिसेंट मूवी आपको लगने वाली है, क्योंकि मूवी में ऐसा भी आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा कि फिल्म आपको ख़राब लग रही है या आपको कहीं भी फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगेगी कि फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है, फिल्म आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। फिल्म की अगर मैं सभी कैरेक्टर की, सभी एक्टर की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सरप्राइजिंगली मुझे रकुल प्रीत मैम का भी जो आउटपुट उन्होंने इस मूवी पर दिया है काफ़ी बेहतरीन लगा। बाकी अजय देवगन सर, अमिताभ बच्चन, भवानी रानी, इनकी तो एक्टिंग पर कोई सवाल कर ही नहीं सकता है। बाकी अगर मैं प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से अगर वीएफएक्स की बात करूं तो फिल्म पे वीएफएक्स भी काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है। फिल्म में एक सीन है जहाँ पर अचानक स्ट्राइक आती है हमारे एरोप्लेन पर, जहाँ पर उस सीन को जिस हिसाब से ब्लॉक किया गया है, कॉकपिट के जो डिज़ाइंस हैं उसके पास जो एरोप्लेन का पूरा डिज़ाइन है आपको एज अ रियल लगने वाला है। फिल्म आपको एक्सपीरियंस करवाएगी कि आप उस समय पे फ्लाइट पर बैठे हुए हैं। फिल्म आपको पूरी तरह से इंगेजिंग रखती है फर्स्ट पार्ट पे। अगर मैं स्टोरी लाइन की बात करूं तो जहां तक मुझे याद है 2015 में ये इंसिडेंट हुआ था कि बोहा से कोचिन के लिए फ्लाइट निकलती है 100 लोगों के साथ में, और इस मूवी पे इसी को दर्शाया गया कि जो हमारे पायलट हैं अजय देवगन सर, को पायलट रकुल प्रीत मैम, इन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग के साथ में फिल्म में कुछ ऐसा होता है हवा पे कि अचानक सिचुएशन इतनी खराब होती है कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। पर यहीं पर सेकेंड पार्ट पे ये होता है कि कैसे वो सेवियर कल्प्रिट के में टर्न हो जाती है, उनकी जो फेस है, इसी तरीके से फिल्म को पूरा प्रेजेंट किया है हमारे पास में। और मैं दोस्तों मैं ये भी बता दूँ, सेकेंड हाफ में आप लोगों को जहाँ पर कल्प्रिट एज अजय देवगन सर और इन्वेस्टिगेटर के रूप में अमिताभ बच्चन के बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया गया है, जो स्क्रिप्टिंग किया गया है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। मगर ओवरऑल मुझे फिल्म लगती है कि थोड़ी सी इसकी लेंथ को कम किया जा सकता था जिससे फिल्म और इंगेजिंग हमें लगती। ओवरऑल फिल्म आपको डिसेंट लगने वाली है, आप लोग जाके फिल्म को देख सकते हैं। पता नहीं क्यों कितने सारे क्रिटिक्स इस फिल्म को कम से कम स्टार दे रहे हैं कि फिल्म उतनी इंगेजिंग नहीं है, और इतने दिनों से जो बॉलीवुड बायकॉट चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बेशक कह सकता हूं आप लोग फिल्म को जाके वन टाइम वॉचेबल है, आप लोग फिल्म को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो हीरोपंती 2 की जो रिव्यू है आप लोगों को शाम को देखने को मिल जाएगी मेरे इसी चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा दोस्तों इसी तरह के मूवीज़ के अपडेट्स के लिए और मूवीज़ के रिव्यूज़ के लिए। दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।